तो नेचुरल ग्रेशन करना है हम लोग को, बिकॉज हम लोग पमिंग करने वाले हैं। तो पमिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बालों के अंदर स्टेप्स होने चाहिए, और स्टेप्स हमारे कौन से होने चाहिए जिसमें सारे बाल हमारे इवन हो। तो हम लोग 90 डिग्री वाला हेयर कट करेंगे ताकि रोल करने के लिए ईजी हो और पमिंग हमारा ज्यादा लास्ट करे। तो बेस हम लोग ने बना लिया पीछे से लेंथ, अभी सारे बालों को 90 डिग्री पे कट करना है। तो स्टार्ट करेंगे बैक साइड से। तो फ्रंट पे जरूरत नहीं है क्लिप लगाने की, वो क्लिप अच्छे नहीं लगते फ्रंट पे हम लोग लगाते हैं। तो कलरिंग वगैरह कर रहे हैं ठीक है, हेयर कट में जितना अवॉइड हो आगे के बालों को क्लिप लगाना उतना अवॉइड करना, ब्लो ड्राई में भी और हेयर कट में भी। बट कोई कट हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो होल्ड करने के लिए लगाना पड़ेगा, फ्रंट से स्टार्ट कर रहे तो क्लिप की जरूरत ही है। ठीक है, तो बेस लाइन बना लिया है, जस्ट उसको ट्विस्ट करके 90 डिग्री पे कट करना है। पतले बाल हैं, पतली साइड से कॉम करेंगे। ठीक है, लॉक किया, ट्विस्ट और 90 डिग्री, और जैसे मेरा शॉर्ट पीस आ जाएगा गाइड लाइन। तो इससे क्या होएगा, पूरा वेट निकल जाएगा, पूरा बाउंसी लुक आ जाएगा। लॉक, ट्विस्ट, कभी भी ट्विस्ट करेंगे और फिर खींचना स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट पीस, ट्विस्ट, जाके बाल है वहीं पे, ट्रेवल नहीं होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन। तो सेक्शन हमारे कौन से, दो सेक्शन स्ट्रेट और दो सेक्शन राउंड। क्लिप से भी निकाल सकते हैं, कॉम से भी निकाल सकते हैं हम लोग। बाल हमारे ऑलरेडी वॉश किए हुए, तो स्प्रे करने की हमको बार बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बॉक्स निकालते जाना है, सेक्शन लिया बॉक्स, गाइडलाइन हमारा नीचे होना चाहिए, नहीं है तो नीचे से ले लेंगे। तो लॉक किया, टर्न किया, अब जैसे 90 डिग्री हम लोग जा रहे हैं ऊपर जाते जाएंगे। ये देखो शॉर्ट पीस आ गया, तो लेंथ जो हमारी है वही रहेगी, सिर्फ अंदर से हमारे पास लाइट हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग रोल करेंगे पम्पिंग के रोलर्स को ज़्यादा लास्ट करेंगे। तो पम्पिंग के लिए जब भी पम्पिंग करेंगे नेचुरल ग्रेशन हेयर कट करना ही है हम लोग को। किसी के स्ट्रेट बाल है कर देंगे तो पम्पिंग जल्दी खुल जाएगा। पम्पिंग के अंदर दो चीज़ें ध्यान रखनी, जब आप पम्पिंग करेंगे नेचुरल ग्रेशन होना चाहिए और बाल गीला होना चाहिए। वेट हेयर में हम लोग पम्पिंग करते हैं, सूखे वालों में नहीं करते। बॉक्स बॉक्स को लाते जाने, ठीक है, दो सेक्शन भी हो गए। अभी मून सेक्शन, हाँ, तो जो मेरे बाल है सेमी क्राउन और ये आगे तक बढ़ा देंगे। से इसको भी फ्रंट और एक ही साथ क्लिप में लॉक कर दो। थोड़ा सा सेक्शन छोटा बड़ा होएगा चलेगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका एक राउंड मून सेक्शन आना चाहिए। इसको एक ही क्लिप में लॉक कर दो। स्टार्ट पीछे से ही करेंगे, साइड से नहीं करेंगे, नहीं तो साइड से करेंगे तो क्या होएगा, आपका हाफ फेदर वाला गाइडलाइन आ जाएगा। हम लोग को वन लेंथ वाली गाइडलाइन से पूरा आगे तक जाना है। अब देखो मैं ऊपर आया, मेरी डेंसिटी थोड़ी अच्छी हो गई, तो मैंने थोड़ा मोटी साइड से भी करना स्टार्ट कर लिया। तो पतले बाल है पतली साइड से करेंगे, हैवी बाल है मोटी साइड से। बॉक्स अच्छे से बनना चाहिए, जितना बॉक्स अच्छा बनेगा उतने क्लाइंट के बाल खींचेंगे नहीं। सेक्शन अनइवन होएगा तो क्लाइंट के बाल खींचेंगे। और फ्लैट कॉम नहीं करना, काटने के बाद छोड़ना है। हेड थोड़ा साइड में टिल्ट कर दिया, गाइड लाइन नीचे से। हुँ?
ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं है। नेचुरल ग्रेशन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, मून सेक्शन, बॉक्स बॉक्स बनाते जाएंगे, स्ट्रेट भी काट सकते हैं ट्विस्ट भी, बट हम लोगों ने उनको थोड़ा ट्विस्ट किया, शॉर्ट बाल है ताकि थोड़ा वॉल्यूम अच्छा आ जाए, ट्विस्ट करने से थोड़ा सा और वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। इसमें टेक्चराइजिंग की जरूरत नहीं है, टेक्चराइजिंग करेंगे तो क्या होगा, वेट हमारा कम होता है तो ट्विस्ट नहीं करना, टेक्चराइजिंग नहीं करनी, कर्ली वालों के लिए हमको करना है, स्ट्रेट वालों के लिए क्योंकि उनको ऑलरेडी बाउंस चाहिए बिकॉज पम्पिंग कर रहे हो, टेक्चराइजिंग करेंगे तो फ्लैट होएगा। इसमें से एक मून सेक्शन छोड़ देंगे इसको, बस एक छोटा सा सेक्शन निकाल लेंगे जैसे हम लोग बैंक के लिए निकालते हैं, फ्लिक्स के लिए निकालते हैं। अब इसको क्लिप्स करना जरूरी है, ये तो कैसे लंबे बाल होते हैं फेस पे आते हैं, कॉम करूंगा ऑलरेडी मेरी गाइडलाइन आ जाएगी, लॉक करना है ट्विस्ट, नीचे का बाल कट गया उतना मैंने छोड़ दिया। नेचुरल ग्रेशन मतलब मैक्सिमम स्टेप्स, हाँ कितना अच्छा होने वाला है। बॉक्स निकालने का प्रैक्टिस करना है, बॉक्स फटाफट निकलना चाहिए जो लोग काम करेंगे। लॉक किया अभी जरूरी नहीं, आपको दरी काटना है, थोड़ा पीछे भी काट सकते हैं, हेड पे गिरेगा रेड वो तो। तो लेंथ मेरी वही है जो मैंने डिसाइड करी थी, सिर्फ अंदर से मैंने लाइट किया। तो स्टेप का मतलब क्या होता है, अंदर से हम लोग वेट निकाल रहे हैं, वेट निकालते तो क्या होता है बालों के अंदर बाउंस आ जाता है, सिंपल। स्टेप मतलब वेट कम करना, स्ट्रेट कट मतलब लेयर देना, अपना वेट बढ़ाना, ठीक है। पीछे से बाल ले लिया, आप उसको पूरा राउंड भी ले सकता था, मैं थोड़ा सा भी ले सकता था, मैंने पूरा एक राउंड सेक्शन ले लिया। अब इस वाले सेक्शन को आपको पूरा 360 में घुमाना है, यहाँ पे खड़े लास्ट वाले सेक्शन में और अपोजिट साइड आना लास्ट सेक्शन पे, और इसको कभी भी सीधा नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे, तो बाल थोड़ा सा ज्यादा कटेगा, ज्यादा कटेगा तो थोड़ा और वॉल्यूम आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रेट काटता हूँ यहाँ पे तो ये बाल कम कट जाएगा। तो मैं इधर से घुमा के साइड गया और आगे लिया थोड़ा, और मेरा डन। ठीक है, थैंक यू सो मच।